हेलो फ्रेंड्स, प्रीति नीटिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये वाला पैटर्न लेकर आई हूँ जो देखने में काफी खूबसूरत है। इसे आप किसी भी जर्सी में, स्वेटर में, कार्डिगन में या फिर लड़कियों के टॉप में बना सकते हैं। और ये जो हमारा पैटर्न है, ये 4 सिलाई का पैटर्न है और राइट साइड से शुरू होता है। आप इसमें फंदे अपनी मर्जी के अनुसार कितने भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये बनने के बाद बहुत ऊपर ऊपर से बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना प्यारा पैटर्न है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे। तो चलिए मैं इसे आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने छोटा सा एक बॉर्डर बनाया है, इसके ऊपर स्पेस के लिए ये 2 सिलाई बुनी है। अब मैं इसे यहाँ से बनाकर दिखाती हूँ। पहली सिलाई, फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा सीधी तरफ से बुन लेते हैं। राइट साइड सीधे तरफ से बुन लेनी है। ये देखिए, ऐसे पूरी की पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। पहली सिलाई हमने पूरी कर ली यहाँ पर सीधी तरफ से। अब दूसरी रो, पूरी की पूरी दूसरी रो यहाँ पर हम उल्टी साइड से बुन लेते हैं ऐसे। ये देखिए, पहला फंदा भी बुनना है हमें, ये बुन ली। पूरे के पूरे फंदे हमें उल्टी साइड से बुन लेने हैं।
ये देखिए दूसरी रो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं तीसरी सिलाई पर, जहां पर हमारा डिजाइन स्टार्ट होता है। दो हाथ हमने सीधे बुन लेने हैं, पहला हाथ सीधी साइड से, दूसरा हाथ उल्टी साइड से। अब तीसरे सिलाई पर फिर हम राइट साइड में आ चुके हैं सीधी तरफ, यानी कि ये देखिए पहला फंदा बुन लेते हैं, दूसरा फंदा उतार लेते हैं, सीधी तरफ से ही बुननी है, राइट साइड सीधी साइड से। ये देखिए अभी इस वाले फंदे को हमने एक बार ऐसे बुन लेना है, फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है, एक बार और हमें फंदा निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमें एक फंदे के तीन फंदे बना लेने होते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें थर्ड रो में जो है हमारा डिजाइन शुरू हो जाता है, वहां पर हमें एक फंदा उतार लेना है और एक दूसरे फंदे में हमें एक फंदे से तीन फंदे बना लेने हैं। फिर एक फंदा उतार लिया इस वाले फंदे के, फिर हम ये देखिए एक बार बुन लिया, अभी हमें फंदे को इस वाले फंदे को उतारना नहीं है, धागा अपनी तरफ किया और फिर एक फंदा, ये दो फंदे और बना लिए। ये देखिए यहाँ पर हमारे तीन तीन फंदे हो जाते हैं, एक फंदा फिर उतार लिया। ये देखिए थर्ड रो हम पूरी की पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर लास्ट में दो फंदे रह गए हैं, इसमें से हम एक फंदा और बुन लेते हैं। देखिए और ये लास्ट का फंदा जो है हम सीधी तरफ से ही ऐसे बुन लेते हैं, इसे हमें उतारना नहीं है। तीसरी रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तीन रो पे हमारा पैटर्न देखिए ऐसा बन के आता है। अब हमारी फोर्थ रो यानी कि लास्ट रो यहाँ पर शुरू हो जाती है। ये देखिए पहला फंदा रोंग साइड है लेकिन सीधी तरफ से ही बुनना है फोर्थ रो में। देखिए ये फंदा बुन लिया, अब ये जो तीन तीन फंदे हैं हमें इन तीनों फंदों का एक बना लेना है और जो ये वाला फंदा है हमारा उतारने वाला, इसे हमें इस बार भी स्लिप करना है। देखिए देखिए सिलाई को ऐसे निकाल लेना है और फिर इनका एक फंदा हमें यहाँ पर बना लेना है। ये देखिए और इन तीनों को ऐसे छोड़ देना है, फिर ये वाला स्लिप किया हुआ फंदा है इसे हमें स्लिप ही करना है। ये देखिए अब ये तीनों फंदे अलग अलग इसमें नजर आएंगे। ये देखिए थोड़ा हाथ फंदों को खोलकर देखिए, तीनों के जोड़े अलग अलग नजर आ जाते हैं इसमें। सिलाई को पीछे की साइड बीच में से निकालना है। ये देखिए ऐसे ये निकल गया, ये फंदे हमने ऐसे छोड़ देने हैं, इस फंदे को उतार लेना है फिर से।
ये उतार लेना है। ये देखिए, देखिए ऐसे निकाल लेना है। फोर्थ रो हमें पूरी की पूरी राइट साइड से ही बना लेनी है। उल्टी साइड है लेकिन सीधी साइड से हम यहाँ पर बुन लेते हैं। ये फंदे थोड़े टाइट होते हैं इसलिए हमें इन्हें बहुत ही आराम से निकाल लेना है। ये देखिए, कितना भी हम इन्हें ढीला छोड़ दें लेकिन फिर भी ये टाइट ही हो जाते हैं। फिर एक फंदा उतार लेते हैं। देखिए फंदा फिर उतार लिया। पूरी की पूरी रो हम ऐसे ही फोर्थ वाली कंप्लीट कर लेते हैं। उतार लेना है। अब यहाँ पर हमारे पांच फंदे, ये तीनों फंदे हमें इन तीनों का एक बना लेना है। देखिए इसे उतार लेना है दूसरे फंदे को और फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है और इसे उल्टी साइड से लास्ट के फंदे को जो है बुन लेना है। फोर्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा पैटर्न भी बन चुका है। ये देखिए अभी मैं आपको इसमें एक रो और बनाकर दिखाती हूँ जिससे हमारा ये पैटर्न ऐसा दिखने लगेगा। देखिए फिफ्थ रो सीधी तरफ से, जैसे हमने फर्स्ट रो से ये वाला पैटर्न शुरू किया था, पूरी की पूरी सिलाई राइट साइड से सीधी तरफ बना लेनी है। धागा सीधी तरफ से यानी कि चलाना है। बहुत ही आसान बुनाई है और लड़कियों के टॉप के लिए तो काफी स्पेशल मानी जाती है। देखिए फिफ्थ रो में हम जो हमने फंदा इस फोर्थ रो में उतार था, फिफ्थ रो में हम सारे के सारे फंदे एक तरफ से बुन लेते हैं। कोई फंदा उतारना नहीं है, नहीं किसी तरह की कोई बुनाई है। दो हाथ सीधे और दो हाथ बुनाई वाले लास्ट के। चार सिलाई का पैटर्न है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। ये देखिए अभी ये फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो जाए तो तभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा बन के आता है ये वाला डिजाइन। काफी सिंपल और सुंदर।
ये लास्ट का फंदा भी हमें ऐसे ही बुन लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया हमारा डिजाइन। अब हम सिक्स रो जो है अपनी सीधी उल्टी साइड से इधर से बना लेते हैं और पैटर्न को हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। देखिए, और ये पैटर्न हमारा बन जाता है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।